आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे। और देखिए, कभी कभी तो रेडियो भी हमारी करवाता है मुलाकात भूले बिसरे गानों से, और हर गाने से जुड़ी होती है हमारी कोई ना कोई मेमोरी। वैसे यहाँ पर अपनी मेमोरीज को कर रहा है ताज़ा ये सितारा हमारे साथ, तो किससे की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने एक खास मुलाकात, लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास। चली शॉपिंग पर, तैयारी बच्चे के आने की, बहुत जल्द तन्वी माँ बनने वाली है। इन दिनों इनका सातवां महीना चल रहा है, ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनके घर ये जानने के लिए कि तन्वी कैसे रख रही हैं अपना ख्याल और कैसे कर रही हैं अपने बच्चे के आने की तैयारी। सेहत बनाने के लिए वो घर का खाना खाती हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए वो अपने पेट्स पर प्यार लुटाती हैं, अपने बच्चे का कमरा सजाती हैं। और जब भी इन्हें शॉपिंग की क्रेविंग होती है तो झटपट तैयार होकर निकल जाती हैं अपने आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करने। तो चलिए, होने वाली मम्मी यानी कि तन्वी ठक्कर के साथ करते हैं एडवांस में मदर्स डे सेलिब्रेट, वो भी इनके घर जाकर। थैंक यू। हम दोनों के तरफ से भी नहीं बोलूंगी, हम तीनों के तरफ से भी नहीं बोलूंगी, तीसरा ये है, चौथा कहाँ है, हम चारों के तरफ से बोलूंगी मैं। थैंक यू सो मच, प्लीज कम इन। कल से अगर आपको पता चल रहा है कि मैं एकदम थक गई हूँ तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब रोज अगर तैयारी ऐसे फिजिकली नहीं चल रही है तो मेंटली तो बहुत ही ज़्यादा तैयारियाँ चल रही है। अगर आप यहाँ पे भी आओ, देख सकते हो तो ये पूरा सामान है जो हम लोगों ने अभी तक अपने अपने जगह पे नहीं रखा है। इट्स वेरी क्रेजी, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आए और मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी बोलते हैं कि 10 से 13 किलो चलेगा, मेरी मम्मी बोलती है मुझे। अभी ऑलरेडी 2 महीने बाकी है और ऑलरेडी मेरा 10.5 किलोस बढ़ गया है, मतलब ऑलरेडी जो मैं अभी बोल सकती हूँ, क्योंकि वॉट एवर 54 थी, अभी मैं 64 हो गई हूँ। अभी पता नहीं, रियली होप कि बस बढ़े तो यहाँ बढ़े। मैं तो बोल रही हूँ कि इसे मेरे को नहीं चाहिए फेस हाथ वाथ पे बढ़े, बट आई रियली होप कि बस यहाँ बढ़े और यहाँ से कम हो और ख़त्म। तो इससे पहले कि हम बच्चे की बात करें जो अभी तक आया भी नहीं है, हम लोग इसकी बात करेंगे जो मेरे घर पे है। तू क्या सूंघ रहा है? इधर आ। ये मेरा फर्स्ट बेबी है, इसका नाम है कैमियो, और ये मेरे साथ ही बेड पे सोता है। और सब मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि जब बच्चा आएगा तो ये नहीं सो सकता बेड पे, ये वो। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, है ना बाबा। और ये मेरा बड़ा बच्चा है जो अभी 13 साल का हो गया है, वी हैड हिम फॉर सो मेनी इयर्स। और ये बहुत भौंकता है और लोगों को डराता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही हार्मलेस है। तो ये मेरे दोनों बच्चे हैं, अब तीसरा ऑन द वे है। अभी चलो, लेट्स गो टू द किचन एंड शो यू समथिंग रियली स्पेशल। कम। सास बहू और बेटिया संग बातचीत में तन्वी ठक्कर ने बताया कि इस प्रेगनेंसी के सफर में उन्हें कभी भी क्रेविंग्स नहीं हुई, हालांकि वो अपनी सेहत का खासा ख्याल रखती हैं। अपने और अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए वो हाई प्रोटीन और सेहतमंद खाना खाती हैं। तो चलिए चलते हैं इनके रसोई में, जहां वो अपने हाथों से बना रही हैं रोल्स। किचन में मैं कभी नहीं आती, मेरे को झूठ नहीं बोलना ऑडियंस से, मैं कभी भी नहीं आती हूँ किचन में। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे, मतलब बाद में शायद मैं कुछ तो करूंगी ना अपने बच्चे के लिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेट्स सी क्या होता है। उसकी तैयारी, हाँ थोड़ा बहुत 5% कर लेती हूँ, 5% भी नहीं, 2% कर लेती हूँ, शायद 200 हो जाए, क्या पता। अच्छा, घी के बारे में, यम्मी यम्मी भी होते हैं, और कहते हैं कि घी अभी मुझे खाना भी चाहिए।
तो पराठे तो हमारे बन गए हैं, अभी मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। तो ये जो है इसको हमस कहते हैं और चने से बनता है ये, और उस पर थोड़े से स्पाइसेस लगते हैं। तो ये मैं स्प्रेड करूँगी हमारे पराठे पे, और थोड़ा बहुत वेजिटेबल भी ज़रूरी है। तो ये कैबेज और कैरेट है, जो कैबेज और कैरेट मैं ऐसे उसके ऊपर डालूंगी। वैसे तो आप अनियंस भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे अनियंस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं किसी भी चीज़ में अनियंस नहीं खाती हूँ। तो ये स्प्रेड करेंगे, ये पनीर के पीसेस है उस पर डालेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चटनी और सॉस डाल के उसका रोल बनाएंगे। क्योंकि अभी मुझे कहा गया है, डॉक्टर ने कहा कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। तो पनीर में तो प्रोटीन है ही, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। तो लेट्स स्नैक। लेकिन मैंने बनाया है तो मुझे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रोल लग रहा है ये। तो बस अभी हम इसको कट करेंगे और हम इसको रेलिश करेंगे किसके साथ, ऑब्वियसली अगेन शाम को 5 बजे के बाद मैं नहीं नारियल पानी पीती हूँ, क्योंकि मेरे को एडवाइस नहीं है और आपको भी शायद नहीं पीना चाहिए। उसको बोलते कि शाम को नहीं पीना चाहिए, लेकिन अभी 5 बजे नहीं है तो हम इसको कट करेंगे और इसके साथ एक मजेदार स्नैक एंजॉय करें। इतना रिफ्रेशिंग लगता है, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, इससे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर से ये कोकोनट वाटर के साथ एकदम जो तीखापन यहाँ पे होता है ना, वो कूलिंग इफेक्ट आ जाता है कोकोनट वाटर से। आई एम कंप्लीटली एंजॉयिंग माय स्नैक। और अगर आपको मेरा रेसिपी फॉलो करना है तो प्लीज़ कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे या DM पे बता दीजिए कि आपने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपना रूटीन बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे के सेहत के लिए। तो प्रोटीन में क्या आ गया, अपना सोया आ गया या पनीर आ गया, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ अपने डाइट में कहीं ना कहीं मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करूँ। रोज़ सेम चीज़ खाऊंगी तो मुझे बहुत बोरिंग लगेगा। और ब्रेकफास्ट में मैं पोहा, उपमा, डोसा, रागी डोसा बहुत यम्मी होता है गाइस, रागी डोसा आप ज़रूर ट्राई करना। अपने डोसा का जो बैटर होता है उसमें थोड़ा सा रागी पाउडर आई थिंक ऐसे मिला के दीदी बनाती है, तो वो सब मैं खाती हूँ। तो ये हो गए मेरे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस, जो आप शायद अपने घर पे बना सकते हो, सबके घर में बनते हैं, वो बहुत रेगुलर ब्रेकफास्ट होता है। तो बेसिकली ये है। लंच में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी जोहार का के आटे का रोटी, कभी नाचनी के आटे का रोटी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आटे का रोटी, कभी वीट का, गेहूँ का आटे का रोटी, ये सब रोटी खा के बहुत सारा दही खाती हूँ मैं, बिकॉज इट सेज दैट दे से कि दही बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो मैं दही खाती हूँ और सब्ज़ी खाती हूँ। मतलब मेरा लंच थोड़ा सा बोरिंग लंच होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हेल्दी लंच होता है। और उसके बाद मैं छाछ पी लेती हूँ एंड आई फील वेरी कूल, क्योंकि नहीं तो इट्स नॉट नाइस। गर्मी के सीज़न में हम लोग एकदम गरम गरम, तो एक नाइस मसाला छाछ मेरी दीदी बना देती है, तो वो मेरा वो हो जाता है लंच। इवनिंग में जैसे सबको ना वो इवनिंग का क्रेविंग होता है कि कुछ चटपटा खाना है ये वो, तो मैं भेल खा लेती हूँ, या जैसे आपने देखा मैं फ्रैंकी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ यमी यमी सा खा लेती हूँ। डिनर मैं बहुत कोशिश रखती हूँ कि मैं अपने डिनर्स थोड़े लाइट रखूँ, ये पहले से मेरी आदत है। ऐसा नहीं कि मैं कम खाती हूँ, लेकिन पेट में जो लाइट होता है, लाइक खिचड़ी खा लिया मैंने या कर्ड राइस खा लिया, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। रात को मेरी डाइटिशियन ने मुझे ये बोला है कि सत्तू का पानी पीना चाहिए। तो सत्तू लेती हूँ, पानी में मिक्स करके ना मैं एक ग्लास पी लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब टेस्टी नहीं होता, बट एटलीस्ट यू फील फुल। ऐसा नहीं है कि बीच रात मेरे को क्रेविंग होती है कि चलो आज पाइनएप्पल केक खाना, ऐसा नहीं। पाइनएप्पल की अगर बात करें तो पाइनएप्पल और पपाया एकदम मना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो बॉडी का हीट बढ़ा देता है, तो वो नहीं खाना चाहिए। तो आई डोंट थिंक मैंने पाइनएप्पल बहुत टाइम से खाया है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो मेरी डाइटिशियन ने मुझे बोला कि चीकू रोज़ नहीं खाना चाहिए,
एप्पल ऑरेंज रोज खा सकते हो, चीकू नहीं खा सकते रोज, और मैंगो भी रोज नहीं खाना चाहिए. ऑफकोर्स मैंगो का सीजन है और हम सबको मैंगोज बहुत पसंद है, पर रोज नहीं. उसने बोला हफ्ते में 3-4 बार. तो आई ट्राई कि मैं ये सब बहुत अच्छे से फॉलो करूँ. और अब बारी है तन्वी के साथ उस कमरे में जाने की जहाँ की साज सजावट खुद तन्वी अपने हाथों से कर रही है. तो खाना वाना सब कुछ हो गया, मेरा पेट एकदम भर गया है और अब हम आए हैं मेरी नर्सरी पे. ये मेरा नर्सरी है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एनिमल्स हैं बहुत सारे. जो मतलब ऑब्वियसली बच्चा है, बच्चे को एनिमल से दे हैव टू लव एनिमल्स चाहे कुछ भी हो जाए. और मेरे घर पे आपने देखा ना, दो ऑलरेडी है, तो आई एम श्योर कि मेरा बच्चा एनिमल से बहुत प्यार करेगा. तो ये हम लोग ने एनिमल का वॉलपेपर लगाया है. कुछ सेटअप नहीं हुआ है, आधा आधा कुछ सेटअप हुआ है. ये हमारा कॉट है जहाँ पे बच्चा सोएगा, और इसकी जो बेडिंग वेडिंग है हम लोग ने अभी तक अनरैप नहीं किया है क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है. जैसे अब ये देख सकते हो, ये चेयर है जो फीडिंग चेयर जिसको कहते हैं, इसको भी हमने अनरैप नहीं किया है. प्लास्टिक वास्टिक सब लगा हुआ है बिकॉज डस्ट कैच करेगा, कोई मतलब नहीं है. ये मैंने निकाला नहीं अभी तक. ये मेरा अच्छी ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे मैं रेडी होती हूँ. ये दूसरे रूम में डालना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेशली बच्चे का रूम है. यहाँ पे ये कबर्ड है बच्चे का जो हम लोगों ने अभी तक सेटअप नहीं किया है. थोड़ा बहुत सामान आ चुका है लेकिन सेटअप नहीं हुआ है. ये उसका डायपर्स, यहाँ पे मैंने थोड़े कपड़े रखे हैं जो एकदम सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं अभी तक, सब सॉर्ट आउट करेंगे ये कपड़े. तो ये सब है. यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा सेटअप नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत करना बाकी है. ये बहुत क्यूट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये मुझे कल किसी ने भेजा है. हाँ बहुत क्यूट है ये. और आप सबसे क्यूट चीज़ें तो ये है, इसमें लिखा है बेबी कपाड़िया. तो ये एक फाइल है, इनफैक्ट ये डॉक्टर का जो फाइल है ना, जो बेबी का फाइल होता है, ये वो है. और ये बेबी का एक कुशन है जो ये जो जिप है ना, जब ये जिप खुलेगा ना तो एक बहुत बड़ा प्ले मैट बन जाता है जिसपे बेबी को हम लेटा सकते हैं. तो ये मुझे एक ब्रांड ने भेजा है, कल ही आया है, बहुत ही क्यूट है. तो ये है. और यहाँ पे मैं सब आप देख सकते हो, बहुत सारे एनिमल्स के क्यूट क्यूट पेंटिंग्स है. और ये जो पूरा रैक है ना, इसमें मैं कुछ डालूंगी, जो टॉयज होते हैं या बच्चे का बाकी जो चीज़ें होते हैं इस पर मैं डालूंगी. सेट करना बाकी है बस, बिकॉज 2 महीने है. तो मैंने कहा क्यों मैं सेट करूँ, वो लास्ट मिनट में सेट करती हूँ. तो इसलिए जो बेसिक फर्नीचर है वो सब आ गया है, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग टचेस बाकी है. खैर ये तो थी तन्वी की तैयारी. वैसे तन्वी को शॉपिंग करना बहुत पसंद है और इन दिनों वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रही हैं ढेर सारी शॉपिंग. और आज फिर से इन्हें मौका मिल गया है अपनी शॉपिंग की क्रेविंग को पूरा करने का. इसीलिए झटपट तैयार होकर वो निकल पड़ी है अपनी शॉपिंग पर और पहुँच गयी है इन्फिनिटी मॉल के मिनी क्लब शॉप पर, जहाँ पर मिलते हैं बच्चों के ढेर सारे कपड़े, खिलौने और भी नेसेसरी आइटम्स. तो आइए देखते हैं कि तन्वी ठक्कर अपने आने वाले बच्चे के लिए क्या क्या खरीद रही हैं और क्या क्या जानकारियाँ ले रही हैं. न्यूबॉर्न सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन है. अभी तो हमारा बॉर्न भी नहीं हुआ है लेकिन जब बॉर्न होगा तो न्यूबॉर्न होगा. तो लेट्स डू सम क्यूट शॉपिंग. बहुत क्यूट चीज़ें हैं यहाँ पे. यहाँ पे लिखा है 3 to 6 months. ये भी हमारे काम का नहीं है एक्चुअली, हमें 0 to 3 months चाहिए. तो देख लेते हैं क्या क्या है. ओ दिस इज़ सो क्यूट. यहाँ पे देखो इन्होंने बांधा है ये, बिकॉज फिर टाइट नहीं होना चाहिए ना बच्चों के लिए, तो यहाँ पे ये बांधा है. सो ऑल द 3 pieces आई थिंक देखा जाए तो, हाँ देखो सब में नॉट है. वेरी क्यूट. देख लेते हैं क्या ले यहाँ से. फर्स्ट आउटफिट ले क्या बच्चे का, फर्स्ट जो बच्चा पहनेगा.
हॉस्पिटल से जब मैं बाहर मतलब बच्चे को लेके आऊंगी ऐसा कुछ लेना चाहिए ना एक्साइटिंग सा, देखते हैं। तो नर्सरी अभी बना रही हूँ, जो बेबी का रूम है वो सब अभी बना रही हूँ, तो उसमें एक सेक्शन है जहाँ पे मैं सिर्फ स्टफ टॉयज़ रखूँगी। अभी मैं बैटरी वाले टॉयज़ इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी, आई थिंक 3-4 ईयर्स के लिए, क्योंकि नहीं तो बच्चे बहुत एडिक्शन हो जाते हैं ना उनका मोबाइल के साथ और टीवी के साथ, ये तो मुझे चाहिए भी नहीं। तो आई थिंक स्टफ टॉयज़ से और वुडन टॉयज़ से, आजकल वुडन टॉयज़ बहुत चल रहे हैं, उनसे काम चलाऊँगी। मुझे लग रहा है कि बच्चे के सारे टॉयज़ के साथ मैं खेलने वाली हूँ, मुझे क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है पता नहीं, यही होने वाला है। आई लाइक दिस इज़ सो क्यूट, क्योंकि क्या होता है ना सब टेडी बेयर्स लेते हैं, सब लायन टाइगर लेते हैं, लेकिन कई कई एनिमल्स होते हैं जिनको अटेंशन चाहिए भाई, वो भी लेना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्यूट, है क्या वैसे, आई थिंक इट्स अ रैट, चूहा है क्या, क्या है ये, माउस है, देखो माउस किसी के पास नहीं होता, बाकी हो ना हो, वेरी क्यूट, मुझे माउस चाहिए, मैं माउस लूँगी, ठीक है, तुझे भी अटेंशन मिलेगा, तू चिंता मत कर। तो माउस लेंगे। हाँ शॉपिंग बैग दो भाई, आज शॉपिंग होगी अच्छे से। शू बहुत क्यूट है, ये जिकचक वाले शूज तो बहुत क्यूट है, लेकिन अभी हमें सेक्स नहीं पता ना, हमें जेंडर नहीं पता। हाँ बट ये जो है ये कुछ पोक वोक तो नहीं होगा ना बच्चे को, सॉफ्ट है ना ये एकदम, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो ये वो बात नहीं कर सकते, सिर्फ रोएंगे, जब रोएंगे तो मैं ही परेशान होंगी, तो मैं अपने बारे में सोचूँ ना कि बच्चे को परेशान नहीं करना है, बहुत अच्छे मटेरियल का कुछ लेंगे, ये तो ऑब्वियसली लड़कियों का लग रहा है, बट हाँ दिस इज़ लुकिंग लाइक यूनिसेक्स, बस ये थोड़ा पक्का ना, सॉफ्ट है ना, रोएगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी फिर, हाँ फिर मैं लेके आऊँगी आपके पास के, आप ही बच्चे को चुप कराओ, ठीक है। पिंक और ब्लू नहीं लेना, वो वाला अच्छा है, ये भी थोड़ा सा गर्ली कलर है क्या, हाँ मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक ये रख सकते हैं, पैक ऑफ वन, ये न्यूबॉर्न का है, ओके फाइन ठीक है, चलो सो क्यूट, चलो ये अंदर रख देंगे। तो हुआ हमारे सॉक्स और हमारा माउस, रैट चूहा, चलो ये सब मेरे पास है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है, जैसे ये बॉटल हो गया, बॉटल है, टीतर, ओ बॉटल्स के कितने क्यूट क्यूट कलर्स है, लुक इट इज सो क्यूट, वेरी क्यूट, हाँ ये यूनिसेक्स कलर भी है वैसे, तो ये तो बहुत ही क्यूट है बॉटल्स और ये क्या है, 3-6 ईयर्स, अच्छा मुझे लगा कि आजकल के बच्चे कुछ बदल गए क्या, ये एक अच्छा है। बाकी मैंने एक्चुअली ये सारे जो मेरी बॉटल की शॉपिंग है ना वो सब हो चुकी है, मैंने ले लिया है बॉटल। ये क्या है जो नीचे है, ये नैपीज है, वेरी नाइस, ये अच्छा आइडिया, मेरे को और थोड़ा डिजाइन दिखाओ ना, एक में हम लोग कैसे मानेंगे, मैं लड़की हूँ, मेरे को और डिजाइन दिखाओ, आपको ये कैसा लगा, मैं ये यूज करूँ क्या जब मैं पहली बार हॉस्पिटल से बाहर लेके आ रही हूँ बच्चे को, ये स्वाडल है, ये जो बच्चे को ऐसे रैप करते हैं ना ताकि उनके हाथ ऐसे ऐसे ना जाए जैसे मेरे हाथ अभी गए और लेग्स यहाँ वहाँ ना जाए, तो ये बहुत ही क्यूट स्वाडल है, उसको मुझे वॉश करना पड़ेगा ना, पहले वॉश करना पड़ेगा फिर आयरन करना पड़ेगा, हाँ मैंने सुना है कि बच्चे के सारे कपड़े चाहे हम बाहर से क्यों ना लाए पहले वॉश करके उसको आयरन करके फिर पहनाना पड़ता है ना, क्योंकि आयरन में भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया चले जाते हैं। ओके तो ये स्वाडल हम रखेंगे, क्योंकि आपने मुझे तो ब्लू और पिंक ही दिखाए ये नैपीज, आपने कोई और कलर भी नहीं दिखाया मुझे, तो ये है हमारे नैपीज, और इन्होंने बहुत अच्छा कहा और इन्होंने आज मुझे ज्ञान भी दिया, डायपर्स ही पहनाने वाली थी लेकिन उन्होंने कहा कि शायद बेबी को रैश वैश होगा, दिस इज़ अ गुड आइडिया, थैंक यू, यहाँ मुझे थोड़ा ज्ञान मिला है स्टोर में, हाँ ये रख दो और वो स्वाडल दिखाओ मेरे को, कैमरा मैंने ऑडियंस को दिखा ना, ऑडियंस इज किंग, हाँ क्योंकि आप किंग और क्वीन हो, मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ, ये है स्वाडल जो बेबी को रैप करते हैं, जिसमें ये वेलक्रो स्वाडल है, क्या बात है इनके पास सब है, ओ हाँ सो क्यूट, इतने
इतने सारे डिजाइंस हैं यहाँ पे, वेरी क्यूट. देखो ग्रीन जो है वो थोड़ा यूनिसेक्स हो जाता है, येलो जो है वो थोड़ा यूनिसेक्स हो जाता है. ये सब, ये पिंक ब्लू मुझे चाहिए ही नहीं. ये भी क्यूट है ना. ये अच्छा आइडिया है. पिल्लो भी है देखो, उसको अनजिप कर सकते हैं, जिप निकाल सकते हैं. बेसिकली इसको अगर बेड पे रखना हो या जो भी है, मेरे पास तो इसका पूरा क्रेडल फेडल सब है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बेड पे भी रखेंगे. नहीं नहीं अम्मा, मेरे ऑडियंस बहुत मतलब स्मार्ट है, समझ जाते हैं वो सब, इतना मेहनत मत करो. अच्छा ये स्मॉल है, तो बेबी को जब बाहर हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं तो ये इसमें डाल के और इसको ऐसे पकड़ के फोटो वोटो ले सकते हैं. क्या बात, इनके पास क्या क्या नहीं है यार. वेरी गुड, वेरी नाइस. पिंक में तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है ना पिंक के ब्लू. और आजकल ना ये पिंक और ब्लू बहुत ओवररेटेड है. मुझे लगता है एक्चुअली बॉयज पिंक में बहुत क्यूट लगते हैं और गर्ल्स भी बहुत क्यूट लगते हैं ब्लू में, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं ग्रीन येलो ऐसे कलर्स. हाँ ये विनी द पूह. फिर भी मेरा ये क्या है, ये ऐसा है क्योंकि ये जो कलर है आपको नहीं लगता ये कलर थोड़ा सा मतलब प्यारा लग रहा है एकदम ग्रीन टाइप्स. आई लाइक दिस कलर. हाँ दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट. क्या लगता है आपको? मुझे बहुत अलग लग रहा है, क्यूट है. और इसके पिल्लोज भी देखो कितने क्यूट है. पिल्लोज पे क्लाउड है, पिल्लोज पे कैक्टस है और एक हेड पिलो भी है. आई थिंक दिस इज वेरी क्यूट. हाँ दिखा दो, क्योंकि इसमें मेरे को इंटरेस्ट है, ये बहुत क्यूट लग रहा है. ओ सो क्यूट, स्नेल है इस पे, बेर है इस पे, एलिफेंट है, जिराफ है. हाँ ये क्या है? अच्छा ये पिलोस के अंदर, इसके अंदर पिलोस जाएंगे. वेरी क्यूट. एक्चुअली उस टाइम पे ना इतनी सारी चीज़ें भी नहीं थी और फिर भी हम मतलब पल गए, अच्छे खासे हो गए हम लोग बड़े होके. तो आजकल ना चोचले थोड़े ज़्यादा है, लेकिन एज पेरेंट्स भी फील के चलो ये भी ले लेते ले, वो भी ले लेते हैं. बट हाँ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को चेक में भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा स्पॉइल हो जाए. तो मैंने जब अपना नर्सरी बनाया थोड़ा सा ये दिमाग में मैंने रखा कि इतना मत लो, थोड़ा बहुत मिनिमलिस्टिक भी होना चाहिए. ये बोल बोल के मैंने बहुत कुछ दे दिया और सब मुझे बोल रहे कि अच्छा बड़ा तू भाषण वाषण दे रही थी लेकिन तेरा घर देख. तो मेरी जो दोस्त है इशिता दत्ता, आपको पता होगा, वो मेरे साथ एक शो में थी, तो इशिता को मैं आधा सामान दे रही हूँ. मैंने इशिता को बोला तू ये मत ले, वो मत ले, ये मत ले, वो मत ले, एंड आई एम गिविंग हर हाफ द थिंग्स. तो अभी उसका आई थिंक गोद भराई भी है आफ्टर फ्यू डेज, तो मैं वही में डब्बा सब कुछ डाल के उसको देने वाली हूँ कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट. प्रैम्स, हाँ यस ऑफकोर्स, मैं बहुत घूमती हूँ जिंदगी में और मुझे लगता है मेरा बच्चा भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा घूमने वाला है. तो ये एक्चुअली उसका प्रैम है विच इज़ वेरी क्यूट. ये कैरी कॉट है और ये प्रैम है, वेरी नाइस. मेरे को तो ये कैरी कॉट बहुत क्यूट लगा. ये रॉकिंग भी कर सकते हैं. हाँ ये आपका बड़ा हो जाता है या आपको सेटिंग पोजीशन करना होगा. हाँ तो ये स्टेबल हो जाएगा. ये अच्छा है. ओ वेरी नाइस, दिखाओ मेरे ऑडियंस को भी दिखाओ भाई, टर्न करो. जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई नो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बट कभी कभी बच्चे ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. सो वॉट एवर यू रियली नीड, जो सच में आपको चाहिए वो थोड़ा मिनिमल रखो. गिफ्ट्स भी आएंगे, लोग भी बहुत सारी कुछ चीज़ें देंगे, तो जो चाहिए वो मिनिमल रखो. फिर ऑब्वियसली बच्चा तो आपका है, बच्चा बड़ा होने वाला है, तो यू हैव टू कीप बाइंग थिंग्स फॉर द बेबी. तो जो चाहिए मिनिमल रखो, बच्चे को इतना स्पॉइल मत करो मेरी तरह. मैं बहुत सारी चीज़ें ले रही हूँ, बट हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स. मैं अपनी मम्मी को भी विश करना चाहती हूँ. मैं जानती हूँ
और आप लोग अभी मुझे बात करते करते आप भी जान गए होंगे कि मैं बहुत बातें करती हूँ, मैंने अपनी मम्मी को बहुत तंग किया होगा तो आई रियली होप दैट शी बट शी लव्स मी, इट्स ओके, तो मेरा बच्चा भी मेरी तरह होगा, देन इट्स ओके, बातें तो करनी चाहिए है ना. बट हैप्पी मदर्स डे मॉम, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द एक्सपेक्टिंग मदर्स. 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, लोग शायद कभी कभी अपने हार्मोन्स को, अपने मूड स्विंग को समझ नहीं पाते, और हम खुद कभी कभी समझ नहीं पाते कि हम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, यू नो. सो इट्स नॉट ईजी एट ऑल, इट्स नॉट ईजी. सो हैप्पी मदर्स डे अगेन एक्सपेक्टिंग मदर्स, एग्जिस्टिंग मदर्स और गोइंग टू बी मदर्स, सब सारे मदर्स को हैप्पी मदर्स डे. लीजिए, हो गई तन्वी ठक्कर की प्री बर्थ शॉपिंग. अब बस इन इंतजार है अपने उस बेबी का जो जल्द आकर इनके पसंद के कपड़े पहनेगा